सारी मेहनत आप थैंक्स सर, ले लेने फिक्स सर। सर किसको देना है बताइए, कहे इंतजार कराइए कहे लोग नहीं इनको लगे शब्द है मत और हक। बाली भाषा में ठीक राजेश जी आपसे अनुरोध है कि आप और फैजी साहब ले जाकर के बाहर देखिए कबीर साहब की एक वाणी थी, काम गलत जगह हाथ खड़े कबीरा खड़ा बाजार में लिया गुआठा हाथ, जो घर खू को आपनो चलो हमारे साथ। गुरुकुल एकेडमी आपके द्वारा सूर्य नमस्कार शुरू प्रस्तुति है, तो आपसे अनुरोध है सभी बच्चे पूर्ण रूप से उत्तर जा रहे हैं और भाई लाख का संकट देने के लिए पूरी दुनिया में जो भ्रमण करेंगे संत कबीर की यह धरती है। मैं पुनः एक बार आप सभी
का विभाजन करता हूँ, क्योंकि बार बार ऐसा आग्रह किया गया है कि यहाँ के जो अपने मुख्य अतिथि महोदय हैं उनको कहीं जाना है। मैं पुनः एक बार आप सभी का विभाजन करते हुए, कबीर पंथ के यहाँ सभी संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन का अभिवादन करते हुए वाणी को बराबर पर फैली और झूठ बराबर पा जाके हृदय शांत है ताकि हृदय आप ऐसे दो लाइनों में हमारे बीच में अत्यंत गौरव का विषय है कि हमने ऐसी धरती पर जन्म लिया जहां आज से 500 वर्ष पहले कबीरदास जी वाराणसी को त्याग कर यहां पर अपना शेष जीवन निर्वाह करने आए और उन्होंने इस देश के हिंदुओं मुसलमानों अनेक पंथों अनेक धर्मों में जो परस्पर संघर्ष था उस संघर्ष को लक्ष्य करके उन्होंने जो संदेश दिया वह आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। और इस बात के लिए हमें गर्व है, हम इस सूफी संत कबीर जिन्होंने मसी कागज छुयो नहीं और कलम गहो नहीं हाथ, उनकी रचनाओं के एक एक लाइन दो दो लाइन के ऊपर बड़ी बड़ी संस्थाओं में लोग पीएचडी करते हैं और जिनकी लाइनों में एक महाकाव्य का संदेश होता है, इस बात का भी हमें गर्व है। मेहनत करके कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए, कभी भी हमारे साथ बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं तो जनपद में कैसे अच्छा हो, कैसे व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी हो जाए, इसी पे चर्चा करते हैं। ऐसे हमारे जिलाधिकारी महोदय 1933 में सुबह की आते हैं,
कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। पूरे जनपद में इसका
दुखता है, उनके अभिभावकों में दुखता है, नौजवानों में उत्साह है। आगे और पैमाने पर किया जाएंगे। दरअसल लोगों को ये नहीं था कि यहाँ धीरे धीरे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही, सूचना मिल रही है, मीडिया भाइयों के जैसे जानकारी मिले। आज संत कबीर की निर्वाण स्थल और मध्यकालीन संतों में कबीर का जो योगदान है साहित्यिक रूप में या सामाजिक चेतना के रूप में, वो अनुकरणीय है। बड़े लंबे समय से यहाँ पे मगहर महोत्सव होता रहा है, कोरोना के कारण नहीं हो पाया है। तो उस टूटी हुई कड़ी को शुरू करने का जो प्रयास किया है जिला प्रशासन ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, इसके मजिस्ट्रेट प्रेमरंजन जी की नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने, तो बहुत अच्छा प्रयास है। और निश्चित रूप से आगे इसकी भव्यता और बढ़ती जाएगी और जो भी लोग आगे आएंगे उनके लिए एक बेंच मार्क होगा कि इससे अच्छा आयोजन उनका कराना होगा। दूसरी चीज़ यह है कि मौका निखरने का, उनके भी कलाकार को भी सुनने का, कवियों का सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कार्यक्रम है। इसकी सफलता की मंगल काम जिस प्रकार से आगमन है, के कार्यों को देखा जा रहा है, जिस प्रकार शासन की सरकार की प्राथमिकताओं का भी यहाँ पे विहंगम दृष्टिकोण है, मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के विकास के लिए ये बहुत ही उपलब्ध भूमिका है। सर कबीर देखा जाए, कबीर था सर, कबीर संत हैं, कबीर इंसान को इंसान समझते हैं और मनुष्य की मानवता की कल्याण की बात करते हैं। और मेरे ख्याल से हमको सब को उनके इस एक लाइन के संदेश को समझना चाहिए, समझना नहीं चाहिए, उसका अपने जीवन में पालन करना चाहिए।